हाई टू ऑल एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टेन मिनट शो में जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपके पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो आते हैं और काफी सारे शेड्यूल्स हैं जिनको पूछा जाता है तो आइए जरा आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशन किए गए जब भी हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो शेड्यूल्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे टोटल आपको आठ शेड्यूल देखने को मिलते हैं लेकिन जैसे जैसे वैसे -वैसे तो बारह शेड्यूल देखने को मिलते हैं अगर हम इन शेड्यूल्स की बात करें तो जो टेंथ वाला है और इलेवेंथ वाला है इनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जो टेंथ नंबर का है ये बात करता है किसके बारे में यहाँ पे अगर मैं आपको ये ऑप्शन दे दू तो आई होप कि आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे एक तो है पंचायत के लिए एक है एंटी डिफेक्शन लॉ एक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक्चुअल में ये तीन सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं तो अगर हम टेंथ की बात करें तो टेंथ वाला जो शेड्यूल है वो किसके साथ में जाएगा वो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ अगर हम इलेवेंथ की बात करें तो इलेवेंथ किसके साथ में जाएगा ये जाएगा पंचायत के साथ और अगर हम ट्वेल्थ की बात करेंगे तो ये जाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर पालिका के साथ में तो आइए जरा इसके ऊपर जो क्वेश्चन हैं उनको फटाफट से एक बार सॉल्व कर लेते हैं सवाल क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं तो किसी पार्टी में से जब टू बाई थ्री मेंबर्स एक साथ पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ को लगाया जाता है इसके लिए आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट भी देखने को मिलता है फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसका आंसर है टेंथ शेड्यूल अगला टोटल अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो आपको बताना है एथ शेड्यूल के अंदर टोटल आपको कितनी भाषाएं देखने को मिलती हैं स्टार्टिंग में जब हम लैंग्वेजेस की बात करें तो टोटल आपको चौदह भाषाएं मिलती हैं उसके बाद में जो लैंग्वेजेस के अंदर जोड़ी गई वो थी सिंधी भाषा उसके बाद में फिर लैंग्वेजेस जुड़ती हैं और एक बार फिर लैंग्वेजेस जुड़ती हैं आखिरी भाषा जो इसके अंदर जोड़ी गई है वो है उड़िया लैंग्वेज कौन सी है उड़िया भाषा तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हो जाएंगी बाईस भाषाएं आपको मिलेंगी नाइन्थ शेड्यूल हमारे संविधान के अंदर जब जोड़ा गया था तो संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था तो ये अमेंडमेंट कौन सा हो जाएगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर आप देखेंगे तो जो जमींदारी सिस्टम है या फिर जो लैंड रिफॉर्म्स हैं इनको मेंशन किया गया है मेंशन किया गया है लैंड रिफॉर्म्स को मेंशन किया है अगला कहा जा रहा है कि एथ वाले शेड्यूल के अंदर इसमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसको जोड़ा नहीं गया है ये बताइए कौन सी लैंग्वेज होगी तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसको जोड़ा नहीं गया अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर थ्री फोर थ्री आपको मिलता है और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी तो देवनागरी लिपि जो है वो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलती है बहुत रेयर केस में कहीं आप देखेंगे तो आपको हिंदी जो है वो ऑप्शन में देखने को मिलता है अगला द फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफॉर्मेशन एंड मेंशन इन दिस शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो शपथ दिलाई जाती है या फिर जो एफॉर्मेशन मेंशन किए गए ये कौन से वाले शेड्यूल के अंदर है तो ये आपको मिलेगा थर्ड वाले शेड्यूल के अंदर जितने भी सेंट्रल या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है संविधान के अंदर कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कि पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेवेंथ शेड्यूल अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेजिटरी पावर तो ये जो रेजिटरी पावर होती है ये किसके पास में होती है पार्लियामेंट के पास में आपको देखने को मिलेगी क्या चीज रेजिटरी पावर अगला सवाल इनमें से कौन सा ऐसा लिस्ट है जहां पे आपको सेवेंथ वाले शेड्यूल में सब्जेक्ट एजुकेशन देखने को मिलता है तो एजुकेशन किसके अंदर आएगा समवर्ती सूची के अंदर पहले अगर आप देखोगे तो इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में इसके अंदर चेंजेस किए गए और इसको समवर्ती सूची के अंदर रखा गया है अगला हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन इलेवन शेड्यूल ग्यारहवीं अनुसूची के अंदर टोटल कितने आपको विषय देखने को मिलते हैं तो टोटल बाईस हो जाएंगे यानी कि पंचायत के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको टोटल कितने मिलेंगे ट्वेंटी नाइन देखने को मिलते हैं लेकिन अगर हम म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो टोटल कितने अठारह सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं अगला कहा जा रहा है आर दी नंबर ऑफ द शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के अंदर कितने शेड्यूल है ये हो जाएंगे बारह शेड्यूल ठीक है बारह पहले कितने थे पहले थे आठ उसके बाद नौ दस ग्यारह बारह इसके अंदर जोड़े गए अगला में में यानी कि ये बात कर रहा है किसके बारे में? Schedule number one के बारे के जहां पे आप articles की बात करेंगे तो article one, two, three, four, ये चारों आर्टिकल्स आपको वहां पे देखने को मिलते हैं इनमें से कौन सा ऐसा शेड्यूल है जहां पे प्रॉपर्टी एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन के मेथड्स को इन्वॉल्व किया गया अभी मैंने आपको बताया था लैंड रिफॉर्म के बारे में तो ये कौन सा वाला हो जाएगा दिस विल बी द नाइन्थ शेड्यूल अगर आपसे कहा जाए इलेवेंथ और ट्वेल्थ वाले को कब जोड़ा गया है तो ये 1922 में पंचायत और नगर पालिका के लिए जो प्रस्ताव था उसको अपनाया गया था और 1993 से इसको लागू किया गया था ओके okay? नेक्स्ट पे आइए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द इलेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना है किस चीज से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा पंचायती राज सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है अगला इनमें से कौन सा ऐसा शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर जहां पे ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था जहां पे राज्यसभा की सीटों के विभाजन को दिया गया है एलोकेशन ऑफ द सीट्स दी आएगा फोर्थ शेड्यूल के अंदर इसको मेंशन किया गया है अगर हम प्रेजेंट टाइम में सीट्स की बात करें तो कितनी है टू फिफ्टी है लेकिन आने वाले टाइम में डीलिमिटेशन एक्ट के अंदर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का जो एक्ट है इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स जो है इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा

मेघालय एंड मिजोरम ये हो जाएगा फिफ्थ वाला कि सिक्स वाला देखिए ये हो जाएगा कौन सा वाला सिक्स वाला आपको देखने को मिलेगा फिफ्थ वाले में अगर देखोगे तो वो सबके लिए है ऑल द एरिया पर्टिकुलर चार राज्यों के लिए नहीं सबके लिए है अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट है इंडियन यूनियन की जिसको क्रिएट किया गया विच ऑफ दी फॉलोइंग शेड्यूल मस्ट बी अमेंडेड कौन सा वाला अमेंड किया जाएगा तो पहला वाला अमेंड किया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आएगा ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो है इसको कौन से शेड्यूल के अंदर बनाया जाता है अभी मैंने आपको बताया कि किसके लिए होगा सबके लिए लिखा हुआ है तो फिफ्थ में होगा अगर यहाँ पे ए टी एम स्क्वायर तो आंसर क्या हो जाता तो आंसर सिक्स हो जाता अगला टाउन प्लानिंग जो है ये किसके अंदर आएगा देखो टाउन प्लानिंग जो होता है ये किसका पार्ट होता है ये पार्ट होता है जैसे कि मान लो नाइन्थ है, है ना पार्ट Nine है तो ये किसके लिए है दिस इज ऑफ पंचायत लेकिन अगर पार्ट नाइन ए की बात की जाएगी तो ये किसके लिए होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए होगा ठीक इसी तरीके से अगर फोर्टी थ्री बी आर्टिकल पूछा जाए या नाइन बी पार्ट पूछा जाए तो ये किसके लिए होता है कॉपरेटिव सोसाइटीज के लिए इसको रखा गया है अगला विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप ये कौन सा आ जाएगा ये होगा आपका पार्ट नंबर

इसको भी याद रखिएगा रखियेगा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कौन से पार्ट में आएंगी तो ये आएगी पार्ट नंबर फोर ए के अंदर अगर हम फोर की बात करेंगे तो डीपीएसपी हो जाएगा सॉरी फोर की बात करेंगे तो डीपीएसपी हो जाएगा सिक्स की बात करेंगे तो स्टेट हो जाएगा थ्री की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट हो जाएगा पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये कहां पर आएगा तो इसको इंक्लूड किया गया स्टेट लिस्ट के अंदर कहाँ आएगा स्टेट लिस्ट में अगला विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेवेंथ शेड्यूल तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि ये पावर को इंक्लूड करता है जिसके अंदर आपको तीनों लिस्ट मिलेंगी. Okay. या आपको तीनों की तीनों लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगी अगला सवाल विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एट शेड्यूल एथ शेड्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे सिंधी भाषा को जोड़ा गया था सेवेंटी फर्स्ट के द्वारा मणिपुर भाषा को जोड़ा गया है लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो चार भाषाओं को जोड़ा गया जिसमें से एक बोडो भाषा भी आपको देखने को मिलती है ठीक है नॉट ट्रू पूछा गया था इसमें अगले सवाल पे आइएगा विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो ये किस में आएगा पार्ट नंबर ट्वेंटी में आएगा अमेंडमेंट की अगर बात की जाए तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है ओके okay? अगला संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो कि म्यूनिसपालिटी के साथ में जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा नाइन ए अगला इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है तो ये हो जाएगा थ्री ये हो गया डीपीएसपी ये है यूनियन एंड टेरिटरी ये है नागरिकता दैट इज सिटीजनशिप ओके okay? चले तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल और उसके साथ में जो उनके ही साथ के जो पार्ट जुड़े हुए थे वो मैंने आपको बता दिए आई होप कि आपका रिविजन हो गया होगा तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय एंड एंड टू ऑल एंजॉय द फेस्टिवल